नमस्ते फ्रेंड्स, हर महादेव जी। आज मैं आपको कढ़ाई पनीर बना के दिखाने वाली हूँ, तो चलो फिर शुरू करते हैं कढ़ाई पनीर बनाना। ये इसके लिए मैंने आधा किलो पनीर मंगा के काट लिया है, ये और ये एक शिमला मिर्च है जो मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिए धो के, और ये प्याज के कुछ छिलके हैं, और ये एक प्याज मैंने इसमें काट लिए तड़के के लिए, और ये अदरक का टुकड़ा है, और ये चार हरी मिर्च है, और ये चार टमाटर है, और ये धनिया पत्ती काट लिए मैंने धो के। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, कढ़ाई रखेंगे। कुछ खड़े मसाले डालने होते हैं इसमें, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी काली मिर्च ली है, इसके बराबर ही लौंग ली है, और ये एक इलायची है, बड़ी वाली जो इलायची होती है, दो ये सूखी वाली मिर्च है, और एक तेज पत्ता है। तो सबसे पहले हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। अब थोड़ी से ड्राई रोस्ट हो गई, इनको प्लेट में निकाल देंगे। दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल है, ये जो अदरक का टुकड़ा है इसको बीच में से और काट देंगे, तो चार हिस्से हो जाएंगे इसके। अगर फ्रेंड्स आप लहसुन खाना पसंद करते तो लहसुन भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऑयल में डाल दी है, दो मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, गैस की फ्लेम कम करती है। 2 मिनट हो गए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसको, मसाला थोड़ा पक गया है, अब गैस का फ्लेम बंद कर देना है, इसको थोड़ा ठंडा होने दें। ये जो खड़ा मसाला है इसको मैं इसमें पीस दी हूँ, तेज पत्ता रहने देंगे, इलायची का जो छिलका है ये फेंक देना है, इसके बीच को पीसना है, इसको मैं प्लेट में निकाल दी हूँ। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा जब इसको भी पीसना है, थोड़ी ठंडी हो गई है, अब इसको भी पीस लेते हैं। ये हमारी प्यूरी बन गई है, इसको डालना है सब्जी। 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल पीस डालना है, 1 छोटी चम्मच जीरा है, 1 छोटी चम्मच सूखा धनिया है, 1/2 गिलास उसमें पानी डालना है। एक चम्मच नमक डालूंगी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और जो हमने ये मसाला, खड़ा मसाला जो हमने भून के वो पीसा था, वो भी डाल देना है इसमें। दो मिनट इसको ढक के पकाऊंगी। दो मिनट हो गए हैं और ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें पनीर डालेंगे हम। गैस को या तो लो रखें या मीडियम रखें, हाई ना करें। अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी मसल के डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें क्रीम डालेंगे जो कि हमने लोकल मार्केट से मंगाई है, ये किसी ब्रांड की नहीं है, अमूल की भी आती है वैसे। ये 4 चम्मच मैंने क्रीम डाली है इसमें, अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसको 1-2 मिनट और पकने देंगे। तो फ्रेंड्स अब ये कढ़ाई पनीर बनके तैयार है, कुछ ही मिनटों में बन जाती है, ज्यादा देर नहीं लगती इसमें। अब गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी।
फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसका नाम है अनीता जैसी ऑल इन वन चैनल। और आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।